नामी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी रियान पब्लिक स्कूल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अब रेवाड़ी के होली चाइल्ड स्कूल के 7वीं कक्षा की एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी को उसी के कोच ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। हालांकि वारदात को अंजाम तो यमुनानगर में दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कोच ने मौका पाते ही मासूम बच्चे को स्कूल के एक स्टोर में ले गया। यहां उसके कुकर्मों का पर्दा उठ गया और वह यमुनानगर पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया, जहां उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मामला था और क्या आपकी जानकारी में? सर, कल शाम को 5 बजे पेरेंट्स स्कूल में आए थे और उन्होंने, मैं उनसे उसी वक्त मिला बिना एक मिनट के गैप के भी, और जैसे ही उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी कि ऐसा कुछ हुआ है, तो विद इन 1 मिनट मैंने इसको, जो टीचर है नितिन स्पोर्ट्स का, इसको इमिडिएटली स्कूल में बुला लिया, क्योंकि आमने सामने करना ज़्यादा बेटर रहता है। और इससे पूछा गया और इसको कहा गया कि जो भी सच्चाई है वो बता दो, और इसने एडमिट भी किया, ठीक है, हमारे सामने। अब क्या सच्चाई है ये जाने या पुलिस अपनी कार्यवाही में निकालेगी। और हमने इमीडिएटली इसको बुला के, सो दैट पेरेंट्स के सामने हम टीचर किया, तब उन्होंने बताया। फिर अब उसके बाद फिर पुलिस कंप्लेंट हुई, फिर पुलिस ने अपनी कार्यवाही कर रही है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है सर बच्चों की, पेरेंट्स बहुत भरोसे पे स्कूल के अंदर बच्चे भेजते हैं। हमारा 38 साल पुराना स्कूल है सर, 112 CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं चारों तरफ, इनफैक्ट सारी सर्वेलेंस हम खुद करते हैं। और अगर कोई फिजिकल एक थप्पड़ का असॉल्ट भी होता है, उसके लिए भी हम टीचर को नहीं बख्शते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करके रखी हुई है। लेकिन ये हैवानियत अब कैसे, क्यों, किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब हमारी भी एक लिमिटेशन है कि हम किसकी बुद्धि में घुस के कैसे देखेंगे क्या चल रहा है किसके दिमाग में। सब कुछ भरोसे पे होता है। ऐसे है, 7/11/2017 को यहाँ पर एक निजी स्कूल है रादौर में, यहाँ पर गेम हुए थे। रेवाड़ी से कुछ बच्चे आए थे जिनके साथ एक टीचर भी था, तो 12 तारीख तक वो रुके बच्चे यहाँ पर। तो उस टीचर, और टीचर जो है ना, उन्हीं के पास ही सोता था रात को, उस टीचर ने उसके साथ कुकर्म किया है और उसको डराया धमकाया, तो बच्चे ने घर पे नहीं बताया। फिर अपने वहाँ रेवाड़ी में भी इस टीचर ने इसके साथ कोई हरकत की है, तो बच्चे ने फिर सहमा सा रहा। फिर उसके, उस बच्चे ने अपने माता पिता को सारी आपबीती बताई। फिर बच्चों ने, बच्चे के पेरेंट्स ने रेवाड़ी थाने में कंप्लेंट दी। रेवाड़ी थाने में रात 0 FIR दर्ज हुई। 0 FIR दर्ज होकर हमारे पास आई, हमने उस पर केस रजिस्टर कर दिया है, और केस रजिस्टर करके रात ही हम रेवाड़ी के लिए निकल गए थे और हमने उसको, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या आरोपी मान रहा है इस चीज़ को? हाँ, उसने एक्सेप्ट कर लिया अपना जुर्म।